गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने करा था स्टोर डिज़ाइन एंड स्टोर लेआउट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्टोर प्रोसीजर। स्टोर में कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो होते हैं। स्टोर लेआउट में हमने करा था फॉर्म्स ऑफ लेआउट, कितने तरह के डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग कैसे हम स्टोर को तैयार कर सकते हैं। देन हमने स्टोर डिज़ाइन में कम्प्लीट करा था क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, स्टोर का स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद स्टोर में कलरिंग कैसे करनी है, लाइटनिंग कैसे होगी एंड एक्सेट्रा। तो आज हम करेंगे कि स्टोर हमारे पास रेडी तैयार हो गया, अब स्टोर के प्रोसीजर रेडी करने हैं। प्रोसीजर किस अकॉर्डिंग रेडी करेंगे, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अपकमिंग स्लाइड में, वो है SOP। SOP क्या होता है? SOP बेसिकली एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो कि बना जाता है कि किस अकॉर्डिंग आपने रूटीन फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल, एक कैशियर ड्यूटी कर रहा है स्टोर में, तो कैशियर मॉर्निंग कितने बजे आएगा और कितने बजे तक उसने हैंड ओवर करना है, छुट्टी होगी उसकी, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक उसने क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉलो करने हैं, किस अकॉर्डिंग ड्यूटी देनी है। SOP की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये क्या है? ये रिटन इंस्ट्रक्शन है और डॉक्यूमेंट है कि आपने रेपिटेटिव मीड में अपनी पूरे दिन की रूटीन में क्या क्या वर्क करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। SOP करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SOP को फॉलो नहीं करेंगे मतलब हम अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन दैट डॉक्यूमेंट अ रूटीन और रेपिटेटिव एक्टिविटी फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल प्रोसीजर आर विटल टू अ बिजनेस फॉर रनिंग अ रिटेल स्टोर। ठीक है, तो इस ये जो प्रोसीजर होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंपनी के लिए अच्छे तरीके से वर्क कर सके, ताकि वर्कर अपनी अच्छे तरीके से प्रोडक्शन दे सके। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री हमने 9th क्लास में स्टडी करा था। इसकी स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। ओवरऑल कितने गुड्स मेरे पास पड़े हैं इसके टाइप्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि स्टॉक को मेंटेन करके रखना, जो हमने करा था स्टॉक लेवल्स, ठीक है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर, डेंजर लेवल, तो उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करना। प्रोसीजर पर्टेन टू द हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन अ स्टोर। दिस प्रोसेस इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री बाय वेरीफाइंग दैट ईच प्रोडक्ट इन ऑर्डर इज क्वेटेड। ठीक है, तो देखना कि हर प्रोडक्ट टाइमली हम डिलीवर कर रहे हैं, मेरे पास वही प्रोडक्ट पड़े हैं जो मेरे सेल हो रहे हैं। ये तो नहीं कुछ प्रोडक्ट मैं अगेन एंड अगेन ऑर्डर करता जा रहा हूँ बट वो सेल ही नहीं हो रही, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती आ रही है मेरे स्टोर में। इन्वेंट्री मतलब मनी, मनी इन्वेंट्री से हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मनी लगी हुई है हर एक इन्वेंट्री को बाय करने में, तो वो मनी बहुत ज़्यादा पड़ी है, वो हिल ही नहीं रही, तो वो मनी मेरी स्टक हो जाएगी, वही इन्वेस्टमेंट मैं कहीं और कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू एक्सचेंज एंड रिटर्न। एक्सचेंज और रिटर्न के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? एक्सचेंज और रिटर्न में बेसिकली डिपेंडिंग करता है स्टोर टू स्टोर, लार्ज स्टोर और स्मॉल स्टोर अलग अलग तरह के प्रोसीजर इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, लार्ज स्टोर ने अलग से काउंटर बनाया होता है जहाँ से वह एक्सचेंज करते हैं, स्मॉल स्टोर अपने लेवल पर एक्सचेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ले बाय। ले बाय क्या होता है? ले बाय हो गया कि कोई कस्टमर मेरे यहाँ से गुड्स ले गया, वो गुड्स रिटर्न करने आ रहा है, तो वो जो परचेज़ कर रहा है वो इंस्टॉलमेंट में कर रहा है कि वो इंस्टॉलमेंट में मेरे को पे करेगा। लॉ गुड्स टू बी परचेज बाय इंस्टॉलमेंट द गुड्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिटेलर अनटिल दे आर पेड अ फुल। ठीक है, तो जब तक कस्टमर पूरी अमाउंट नहीं पे कर रहा तब तक वो रिटेलर की प्रॉपर्टी होगी, और जैसे ही वो पूरी अमाउंट पे कर देगा तो हम उसे पूरे राइट्स दे देंगे कि अब उस प्रोडक्ट का ओनर कौन है, वो कस्टमर है। तो ये ले बाय होता है। ओपनिंग प्रोसीजर क्या होता है स्टोर का? स्टोर के ओपनिंग प्रोसीजर में बेसिकली 2 एम्प्लॉई प्रेजेंट होने चाहिए जब हम स्टोर को ओपन करते हैं मॉर्निंग 6 o'clock। देन 1 एम्प्लॉई एंटर होगा स्टोर के इनसाइड एंड अदर एम्प्लॉई स्टोर के आउटसाइड वेट करेगा अपने लॉक्ड वेहिकल के साथ। अंदर जो एम्प्लॉई एंटर होगा वो प्रॉपरली चेक करेगा कि कहीं कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई है, ये तो नहीं हुआ सामान बिखरा पड़ा जिससे पता हुआ है कि चोरी हुई है। अगर उसे सब कुछ कोई डाउट होगा तो वो फर्दर इन्फॉर्म करेगा सिक्योरिटी मैनेजर को, और अगर उसे कोई डाउट नहीं होगा तो वो आउटसाइडर एम्प्लॉय को एक क्लियर सिग्नल देगा सो दैट जो आउटसाइडर एम्प्लॉय वेट कर रहा है वो अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, देन दोनों मिलकर स्टोर का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आउटसाइड एम्प्लॉय अगर इन केस अंदर वाले जो एम्प्लॉय इनसाइड एंटर हुआ था उसने कोई भी रिस्पांस नहीं करा, तो आउटसाइड एम्प्लॉय को लगेगा कुछ ना कुछ सस्पिशियस या मिस हैपनिंग हुई है, तो वो इमीडिएटली पुलिस को कॉल कर देगा या अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉल कर देगा सो दैट वो फर्दर एक्शन ले सकें। और जब अगर सपोज कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, अंदर से अच्छे तरीके से चेक करेंगे जो भी हिडन एरिया हैं उन्हें चेक करेंगे, लॉकर
लॉक्ड करेंगे, कैमरास को चेक करेंगे, कैमराज में कोई मिसहैपनिंग हुई तो नहीं आ रही, तो ये सारा कुछ ओपनिंग प्रोसीजर में होगा। देन क्लोजिंग प्रोसीजर होती है। क्लोजिंग प्रोसीजर में क्या होता है, क्लोजिंग प्रोसीजर में सेम वन एम्प्लॉय विल लॉक द कस्टमर एंट्री डोर, कस्टमर एंट्री डोर लॉक कर देंगे और एम्प्लॉय क्या करेंगे, फ्रंट डोर से एक एक करके जितने कस्टमर स्टोर में लेफ्ट हैं तो ओपन करके एक एक करके एम्प्लॉयज़ को जिनका बिलिंग होती जाएगी उन्हें बाहर करते जाएंगे, सो दैट आउटसाइडर अंदर एंटर ना हो सकें और अंदर वाले एम्प्लॉय को ही अच्छे तरीके से सर्विस देकर स्टोर को टाइमली क्लोज कर सकें। एम्प्लॉय शुड टेक स्पेशल नोटिस ऑफ एनी कस्टमर दैट शीड सीम्स टू बी लॉयटरिंग एंड इंटेंशली ट्राइंग टू बी लास्ट इन द लाइन। ठीक है, वो कस्टमर जो अगेन एंड अगेन लास्ट लाइन के लास्ट लगने में कोशिश कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि सभी बाहर जाएं, तो उन पर स्पेशल अटेंशन देनी है ताकि वो मिस हैपनिंग ना कर सके कोई ना कोई, है ना। जब हमने डोर को लॉक कर दिया तो कोई भी कस्टमर को अंदर एंटर नहीं करने देना। एनी एम्प्लॉय अटेम्प्टिंग टू गेन एंट्रेंस मस्ट शो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई भी एंटर हो रहा है तो उसे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी, ना इधर कोई कंपनी का पर्सन विदाउट प्रूफ या विदाउट प्रॉपर नोटिफिकेशन के हमने अंदर एंटर नहीं होने देना। जैसे ही फाइनल कस्टमर आउटसाइड जाएगा तो हम डोर को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो पर्सन अवेलेबल होंगे वो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे और प्रॉपरली क्लोजिंग से पहले पहले प्रॉपरली पूरे लॉन्ज में पूरे एरिया में एक विजिट करी जाएगी। ठीक है, देखा जाएगा हिडन वॉशरूम्स होगी, चिकन सेक्शंस होगी, या जहाँ पे हमारा इन्वेंट्री पड़ी है वो वाले जगह को प्रॉपरली कवर किया जाएगा, सो दैट चेक कर सकें कि कोई हिडन तो नहीं हुआ हुआ। ये तो नहीं है कि हमारे हम लॉक करके चले और बाद में कोई चोरी करे, तो इस तरीके की कोई हैपनिंग ना हो, तो ये क्लोजिंग प्रोसेस है। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन के।